त्योहार है जिस दिन से गांव निर्माण हुआ उस दिन से मनाते हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू एंड अदर फ्रेश व्लॉग। तो स्वागत है जी आपका मेरे इस नए व्लॉग में। तो मम्मी आ चुकी है और आज व्लॉगिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट मम्मी को आए हुए एक हफ्ते हुए, तो एक हफ्ते बाद जो है मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो क्या है अभी कुछ दिन शेड्यूल चल रहा है ना, तो पढ़ाई वढ़ाई करता था और घर में हूँ, कहीं जावा नहीं रहे तो इसलिए व्लॉग नहीं बना रहे थे। तो गाइस आज का व्लॉग बेस है हमारे गाँव में है। आज माता पंचमी मतलब ये गाँव का त्योहार है जिस दिन से गांव निर्माण हुआ उस दिन से मनाते हैं, सब बोल दो। तो इनफैक्ट ये त्योहार मनाते हुए 100 साल से भी ज्यादा जो है समय हो चुका है। एक दिन पहले से प्रिपरेशन किए जाते हैं, फिर आज के दिन कोई काम में नहीं जाता। और अभी जो है टाइम आ गया है, वो चल रहा है क्या बोलते हैं रोपा वोपा लगाने वाला, धान बुआई का समय आ गया है। बारिश वारिश भी हो रही है, फिर कभी धूप हो जा रही है कभी बारिश हो रही है, तो वही सीन चल रहा है अभी ना। तो उसके लिए भी आज सबको छुट्टी कर देते हैं गांव में, मतलब कोई नहीं जाएगा करके, तो कोई काम में नहीं जाते, आज के दिन सबका ऑफ रहता है। और बाय द वे अभी नाश्ता कर लिए थे और शॉप पर बैठे हुए हैं, क्यों मम्मी और मैं। तो एक्चुअली मैं तो अभी थोड़ी देर में पढ़ाई करने वाला हूँ, बट अभी क्या है देख लो पंखा एकदम धीरे धीरे चल रहा है यार, और ऐसा नहीं है कि बारिश हो रही करके हो कुछ नहीं रहा है, बट लाइट जो है ना एकदम से कम वोल्टेज की लाइन आ रही है इस नाम से ना, अभी पंखा वगैरह भी ठीक नहीं चल रहा है। कि नाश्ता तो कर लिए हैं, देख लो घर का सीन, लाइट वगैरह बंद है अब। तो आज गाइस आज है संडे, तो संडे के दिन मैं अपना बाल जो है शैम्पू से वॉश करता हूँ। अरे आई मीन मंडे है, सॉरी संडे के दिन बेसिकली वॉश करते हैं, बट कल संडे था तो कल थोड़ा बिजी था इस नाम से नहीं किए। तो आज के दिन ये हेयर ऑयल लगाऊंगा, थोड़ा अच्छे से मसाज करवाता हूँ जिस जिस दिन मैं शैम्पू करता हूँ उस दिन। हाँ बस ऐसे सामने। एक्चुअली गाइस मैंने मामाअर्थ का कूपन जो है यूज़ किया था, जो फ़ोन पे वगैरह मिलता है ना, तो उसमें मेरे को 350 वाला डिस्काउंट मिला था, उसी कूपन के ज़रिए से थोड़ा सस्ते में मैं मंगा लिया। काफ़ी तरीके के साथ जो है तेल लग चुका है सिर पे, थोड़ा मसाज करने तो ब्लड फ्लो जो है अच्छा रहता है, सो इसलिए थोड़ा सा मसाज वगैरह ज़रूरी है जब आप तेल लगाते हो, और कंघी भी करना ज़रूरी है इसलिए हमेशा कंघी किया करो। सो अभी गाइस तेल चंपी एंड कंघी करने के बाद, एक्चुअली जब तेल लगाओ ना तो उस पर एक तो लाइट बंद है तो और काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है और पसीना होता है ना, तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन इतनी गर्मी में भी एक जो है जीवनदायन का काम कर रहा है वो है ये मेरा टेबल पंखा, जो कि कम वोल्टेज पे भी धीरे धीरे देख रहे हो एकदम कम चल रहा है। एक्चुअली है ये फुल स्पीड पे लेकिन कम स्पीड पे चल रहा है, और मैं बस इसके सामने ऐसा पड़ा हुआ दवा ले रहा हूँ। उसके फायदे है ये ना, पसीना पूरा सुखा देता है भाई, और जब पसीना सूखता है तभी आपका असली लुक जो है बाहर आता है। और बाय द वे इसके सामने और यहीं पर ही पढ़ाई करता हूँ मैं, तो देख रहे हो ये मेरा पंखा है, देन यहाँ पास करते हैं अपन पढ़ाई। फिलहाल मेरा ये ऊपर वाला पंखा जो है ख़राब हो चुका है, वादे यहाँ पास ट्राइपॉड स्टैंड पड़ा है, बुक्स वगैरह किताबें, तो यही पास पढ़ाई चलती है मेरी जो है एयरफोर्स वाली, वो भी वीडियो देख के यूट्यूब से। रिकॉर्डेड क्लास जो है देखूंगा मैं, क्योंकि जब वो बैच स्टार्ट हुआ था ना यूट्यूब में एक चैनल है उनका, तो उसमें मैं काफ़ी लेट हो गया था, तो जो रिकॉर्डेड क्लासेस होती है वो देखता हूँ मैं। सभी का इस टाइम हो रहा है 12:17 अभी हम लोग क्या है पढ़ाई कर रहा था मैं, तो अभी इंग्लिश की जो है ना कोचिंग, मतलब इंग्लिश की जो रिकॉर्डेड क्लास है वो देख रहा था। सो गाइस अभी बज रहे हैं 1:48, दिन फाइनली अभी जो है लाइट आई वो भी फुल हाई वोल्टेज के साथ, तो अभी ठीक लग रहा है। अभी भी देख लो फेस पे पसीना है, क्योंकि पसीना भी सूखा नहीं है और गर्मी समय के साथ और बढ़ती भी जा रही थी, धूप तो देख ही लो बाबा, तो ऐसा सीन ऐसा एकदम से अभी धूप भी है, शाम को एकदम दबा के बारिश भी हो जाएगी, तो यही कुछ सीन चलता है। बाय द वे आज बहुत गर्मी थी। सो भी गाइस शाम के बज रहे हैं 5 और फोन को अच्छे से चार्ज वार्ज लगा लिए थे है ना, एक मिनट रुको पंखे की आवाज आएगी। तो गाइस 5 तो बज गए, तो देन अभी चलेंगे हमारे गांव का जो है तालाब है ना वहाँ पास शीतला माता का मंदिर है, तो देन वही पास जो है जहाँ पर विसर्जन हुआ था, तो विसर्जन का व्लॉग आपने देखा, तो जहाँ पास विसर्जन हुआ था ना वही पास जो है
माता पहुंचनी का पूजा भी होता है शीतला मंदिर के पास, तो वहीं पास चलेंगे। फिलहाल तो अभी जो है मम्मी गई है पूजा करने के लिए, और किसी न किसी को शॉप पर बैठना पड़ेगा, यानी कि मैं। तो मम्मी आ जाती है, उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा उस तरफ, फिर उधर का क्या है कैसा सीन है वो आगे आपको दिखाऊंगा। फिलहाल तो अभी वेट कर रहे हैं मम्मी का, और देसा भी आ रही है अभी। ये दे, पता नहीं इसके हाथ में क्या है, करौंदा लाई है पता नहीं कहाँ से। अब इसको खाएंगे नमक के साथ। ये आ गया करौंदा, और करते हैं इसको टेस्ट। तो काफी खट्टे जो है करौंदे हैं, और इनको ऐसे इसमें करो ऐसे खाओ। ये करने में ना मजा आ जाता है, ऐसा खट्टा फील होता है ना जब, झिनझिनाहट वाला जो खट्टा फील होता है वो सच में कतई खट्टा रहता है, तो मजा आ गया ये खा के तो। और अब फिर मैं चलता हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि मैं इस पे iOS का अपडेट आया था, तो अपडेट करने लग गए, तो मम्मी आ गई उसके बाद 15 मिनट इसको अपडेट होने में लग गए, मतलब हाँ थोड़ा सा टाइम लगा। तो देन फिर चलते हैं। एक्चुअली उसके बाद वहाँ से आके मेरे को जिम भी जाना है, आज मंडे है, चेस्ट डे वर्कआउट करेंगे। तो देख लो सभी पूजा करके आ रहे थे, जैसे मेरी मम्मी गई ना वैसे गांव की सभी महिलाएं जो है पूजा करके आती है, तो अभी गो फॉर इट। तो भी गाइस फाइनली वी आर बैक टू द होम। तो पूजा करके आ गए, तो वहाँ पास आपने देखा शीतला मंदिर के बाद कैसा क्राउड और सीन था। तो पहले वहाँ पास पूजा करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद अंदर जाते हैं ना, तो माता का आशीर्वाद लेते हैं, फिर प्रसाद लेके वहाँ पास जो पानी होता है ना उससे छिटकारा लेते हैं, अपने आप को शुद्धि करते हैं, और उस पानी को सभी अपने अपने घरों के लिए भी लेकर आते हैं, फिर सभी तरह ऐसा छिड़कते हैं। मम्मी जब आई तो वो भी ऐसा छिड़की थी। फिलहाल तो अभी मम्मी सब्जी बना रही है और मैं घर आ गया जल्दी से। रुकते थोड़ा सा बट नहीं रुकना है, क्योंकि अभी बजने वाले हैं 6 और मेरे को जाना है जिम। सो जिम पहुंच चुका हूं मैं, और अभी आपको सीन दिखाता हूं मैं कुछ एक स्पेशल सा। तो गाइस अभी देखियो बाहर में ना बारिश हो रही थी मेरे गांव तरफ हल्की हल्की, तो जिम मिस ना हो करके अपन आए हैं रेन कोट दबा के, बट जिम नहीं छूटना चाहिए करके। अभी वर्कआउट करेंगे चेस्ट का। अभी गाइस रात के बज रहे हैं 8:45, 9 बजने में बस 15 मिनट कम है। देन अभी मैं जिम करके आया, एक्चुअली जिम विम किया उसके बाद सीधा घर आ गया, और क्या, फिर बारिश तो नहीं हो रही थी, जाने के टाइम हुई तो सुबह रनिंग वाली मैंने, शाम को जिम और दोपहर में पढ़ाई, तो कुछ यही शेड्यूल चल रहा है अभी दिन का, और कुछ खास नहीं, बस शॉप पे बैठा रहता हूँ। इसी नाम से व्लॉगिंग भी ज़्यादा आ नहीं रही, क्योंकि इधर उधर ज़्यादा घूमने के लिए जा नहीं रहा हूँ मैं। और ये भी सीन है कि मेरे आते तक ना घर में सब खाना खा डाले रहते हैं सिवाय मेरे, तो अभी शॉप क्लोज करना है, उसके बाद खाना खाऊंगा मैं। हाय, और देख रहा 2 टी-शर्ट लेके जाता हूँ, तो ये वाली पूरे पसीने में भीग जाती है, देनिए वाली अपनी, इसको पहन के आता हूँ। सब्जी है अभी
क्या बोलते हैं मुनगा आलू। सो गाइस फाइनली बजने वाले हैं 10, अब सोने ही वाला हूँ। तो इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पर एंड। मैं होप यू गाइस एंजॉय दिस व्लॉग। मिलता है आपसे इसी तरह के नेक्स्ट और ऑसम से व्लॉग में। तब तक लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें और व्लॉग को लाइक और कमेंट जरूर करना और शेयर भी करना, ठीक है। आपके गाँव में माता पहुँचानी कम रहता है ये जरूर लिख के बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ध्यान रखें, तब तक लिए बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, है ना। बाय।